एवरीवन कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन पर आई नो गाइज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है और आई नो यू गाइज मिस मी एंड आई मिस यू ऑल टू और मैं कमेंट और जी ई मेल का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज इसके पीछे बहुत सारी सिचुएशन थी जिसमें मैं फंसी हुई थी नंबर वन वॉज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बिज़ी थी मैं अपनी क्लासेज में बिजी थी और उसके बाद मैं ट्रिप पर भी चली गई हूँ इटली आई स्पेंड सम डेज़ इन इटली एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड आई हैव सो मैनी लवली वीडियोज़ फॉर यू गाइज टू अपलोड दैम ऑन यूट्यूब और जी उसके बाद द मेन प्रॉब्लम इज़ जो मेरी बिल्डिंग है उसका वाईफाई खराब है एंड इट्स बीन मोर देन वन मंथ कि ये लोग ने वाईफाई ठीक किया है कैन यू बिलीव इट मतलब ये जर्मन लोग इतने स्लो हैं इतने स्लो हैं अभी भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वाईफाई कैसे ठीक होगा और इतने सारे बच्चे रहते हैं यार इस पूरे स्ट्रीले वाले लाइन्स में और सबके पास वाईफाई नहीं है कट ऑफ हो गया है और मोबाइल डेटा कहाँ तक यूज़ करें और यहाँ पे वो वाले नॉर्मल चार्जेस नहीं होते जो हमारी इंडिया में जियो और ये सब के होते हैं इट्स वेरी हाई हैर तो वाई फाई इज़ द ओनली सोल्यूशन और वाई फाई से ही हम लोग को कट ऑफ कर दिया सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं इंटरनेट uh, पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ सो दिस इज़ अ थिंग बट नाउ आई विल ट्राई टू बी एक्टिव और मैं आपके क्वेरीज की भी रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको टाइमली रिस्पॉन्स करूँ उन पर और आपको सोल्यूशन मिल पाए ओके okay. तो आज की जो वीडियो है हम उसमें कंसल्टेंसी की बात करेंगे कि आई शुड गो फॉर कंसल्टेंसी और नॉट और मुझे यू नो उन लोग का बहुत सारे पैकेजेस होते हैं वो खरीदने चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के ये ई मेल्स आई हैं इसके लिए एंड एज़ यू नो कि मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन होता है मेरा जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है सो दिस गना आई एम शेयर इट इन दिस वीडियो सो द थिंग इज़ कंसल्टेंसी वाले I believe uh, are frauds. Not everyone is fraud, but still I believe that दैट all they do is fraud. क्योंकि मैंने भी कंसल्टेंसी से बात की थी when I was uh, uh, trying to get admission in German public university और मैंने दो तीन लोगों से बात की थी दिल्ली में दे सेट कि आपकी परसेंटेज कम है इवन तो मेरी इतनी कम परसेंटेज नहीं थी मेरी एक्सपीरियंस एमेज़ोन में था और काफ़ी जगहों पे था इट्स वेरी गुड और फिर भी दे सेट द यू वॉन्ट गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसके लिए वी विल हेल्प यू और हम आपको स्कॉलरशिप्स भी देंगे एंड ऑल इन ऑल यू नो ऑल दैट बुल से बट आई डू बिलीव दैट ओके विद मी टू स्टडी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ना चाहती थी मैं हमेशा पब्लिक में ही पढ़ना चाहती थी तो आई डिड नॉट वेंट विद फॉर देयर फॉर देयर थिंग और मैंने ख़ुद से रिसर्च की डाट वेबसाइट पर और मैंने बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एन आई एज यू नो मुझे सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया था काफ़ी यूनिवर्सिटी से आया था सो दैन आई बिलीव या यू नो आई कैन गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑल बाई माई सेल फिर मैंने रिसर्च किया फिर आप मुझे पता चला कि जो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जर्मनी में और कहीं और की भी बात करें तो वो कंसल्टेंसी को एक अमाउंट ऑफ कमीशन पे करती हैं अगर वो बच्चे को लाते हैं उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सपोज अगर मैं उनके कहने पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले लेती तो मेरा टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो अमाउंट था वो उस कंसल्टेंसी टीम को जाता उस कंपनी को जाता और यू नो इट्स देयर प्रॉफिट तो दे ऑलवेज मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उनको डीमोटिवेट कर देते हैं कि पब्लिक में तो आपको मिलना है ही नहीं मतलब आप पब्लिक का तो छोड़ ही दे आपको यू कान केट एडमिशन आपके मार्क्स इतने कम है आपका एक्सपीरियंस इतना कम है इवन तो अच्छा हो बट स्टिल दे वॉन्ट लेट यू टेक एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी दे विल ट्राई दे विल सेट वी विल ट्राई एन ऑल इन वॉट नॉट बट उनका पीछे का जो मेन मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दें जिससे उनको प्रॉफिट यू you नो know, कमाए वो लोग बच आई बिलीव इज़ नॉट अ गुड थिंग अगर बच्चा केपेबल है पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो फिर उसको प्राइवेट में क्यों जाना है फिर उसको uh, हर सेमेस्टर के दस बीस लाख रुपये क्यों देने हैं अगर वो पब्लिक में फ्री में ज़ीरो में पढ़ सकता है तो सो दैट्स अ पॉइंट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज सो आई बिलीव आप कंसल्टेंसी के पास मत जाइए और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मत जाइए यू डू कॉन्टेक्ट देम आप उनसे बात कीजिए आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कॉल पर बात कीजिए उनसे मीटिंग कीजिए और अगर आपको लगता है दे आर ऑनेस्ट और

एंड इट्स नॉट वर्दी सो दिस इज दबाउटेंसी क्या अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पताइए ई मेल सेक्शन में पताइए ई मेल कीजिए आप मुझे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं अपनी इटली की वीडियो बहुत सारी जल्द अपलोड करूंगी जिससे आपको अच्छा लगेगा और आई हैव लॉट ऑफ ट्रेवल ब्लॉग्स एंड आई लव दम और मैं दूसरी ट्रिप पे भी जाने वाली हूँ दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप आप बिना वीजा के आप कहीं भी जा सकते हो एंड दे आर सो नियर एंड द फ्लाइट एक्सपेंसिज आर ऑल्सो चीप इतने महंगे नहीं होते हैं यू वन ईजीली ट्रैवल इवन इन दो इफ नॉट बाई फ्लाइट आप फ्लिक्स बस ले सकते हो और आप आई ले सकते हो ट्रेन ले सकते हो इट्स सो इजी एंड इट्स सो सेफ बस आपको थोड़ा अपनी बिलोंगिंग्स और अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा उसके अलावा इट्स सेफ इट्स टोटली सेफ टू ट्रैवल हेयर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट सो सी यू सोन गाइज एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी आई होप मैं अब रेगुलर रहूँ और आई होप ये लोग वाई फाई ठीक कर दे जिससे मुझे कम प्रॉब्लम हो वीडियोज रिकॉर्ड करने में अपलोड करने में एंड सी यू नेक्स्ट टाइम